आकर कह रहे हैं कि बहुत एनर्जी और स्पिरिट है, मगर जब ये कहा गया अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो बे, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वी नीड एनर्जी, पीपल नीड टू टेल, ये हमारा स्लोगन है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व असहाबी अजमईन। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين सदक अल्लाहुल मौलाना अज़ीम। डायस पर तशरीफ फरमा अमीर हलका जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद साद बलगामी साहब, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के प्रेसिडेंट मौलाना लबीद शाफी साहब, SIO ऑफ इंडिया के साबिक सदर आप भी रहे हैं और जनाब नाहस माला साहब भी रहे हैं, और डायस पर तशरीफ रखे जिम्मेदारान जमात और जिम्मेदारान तहरीक इस्लामी और यूथ मूवमेंट, मेरे अजीजों बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से बोलो भाई, जजाकल्ला। आज हम यहां पूरे कर्नाटक भर से, पूरे कर्नाटक से, शहरों से, खरियों से, हर डिस्ट्रिक्ट से, बसों में, कारों में, गाड़ियों में सब निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खुद्दूस साहब ईदगाह में हम जमा हुए। वी नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज द पर्पस, क्यों जमा हुए हैं, क्या एक मेला है, क्या बात है कि आज हम संडे की सुबह में यहां इस मैदान में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के बुलावे पर लब्बैक कहकर यहां आए हैं। दोस्तों, हम यहां आए हैं तो एक आइडिया के साथ आए हैं, एक ख्वाब के साथ आए हैं, एक तमन्ना के साथ आए हैं, एक ड्रीम के साथ आए हैं, एक डिजायर के साथ आए हैं, एक उम्मीद के साथ आए हैं। हमारे दिल में कुछ दुख है, कुछ वलवले हैं, कुछ उम्मीदें हैं, वो सारी चीजें लाकर यहां हम सब मिलकर बैठे। दोस्तों, हमने ये आइडिया लेकर यहां आया है कि ये जमीन, ये धरती, ये मुल्क ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, ये धरती अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। किसकी धरती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की है ये जमीन, इसका कोई ठेकेदार नहीं। हम इस जमीन पर आए हैं इस आइडिया के साथ कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, बोलो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि यहां
हमारा अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, इस आइडिया के साथ आए हैं कि जमीन अल्लाह की है और इस पर हुक्म अल्लाह का चलेगा। ये आइडिया के साथ हम यहां जमे हैं और यही हुक्म है हमारे पर, अमर अल्लाह ताबुदु। हम किसी की इबादत नहीं करते, किसी की वर्शिप नहीं करते, किसी के सामने झुकते नहीं, एक्सेप्ट अल्लाह सुबहानहु व तआला। और फिर हम जो यहां जमे हैं, ये यूथ मूवमेंट जो जमा है, इस आइडिया के साथ जमा है, ना हमारा कोई गुरुजी है, ना हमारा कोई बाबा जी है, ना तो हमारे हजरत जी है, हमारे सब कुछ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमने यहां जमा हुए हैं। दोस्तों, हम एक ख्वाब लेकर आए हैं, वी हैव कम विद अ ड्रीम फॉर आवर सिटी, हमारे शहर के लिए, हमारे रियासत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए। हमारे दिल में एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, यहाँ के हमारे ब्रादराने वतन, आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, आवर मदर्स एंड फादर्स ऑफ दिस कंट्री, वी कम हियर विद अ पैशन। है क्या भाई, दिल में तमन्ना है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश है, उम्मीद है, एक इरादा है कि हमें, और वो क्या है, वो किस दुनिया की हम ख्वाब देखते हैं? ये नौजवान कल की दुनिया संवारेंगे और वो कल की दुनिया कैसे होगी? क्या 40% करप्शन की दुनिया होगी? क्या ऐसी दुनिया बनाओगे? वी आर लुकिंग, अब हमारा ख्वाब है कि इस धरती पर, इस जमीन पर कोई करप्शन ना हो। हम ये चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिले, कोई भूखा ना हो हमारे देश में। हमारा ये ख्वाब है कि कोई बीमार हो तो मिनिस्टर हो, कि कोई गरीब हो, सबको एकसा ट्रीटमेंट दिया जाए। ये क्या होता है? हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये तड़प है कि एजुकेशन सबको मिले, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, हर इंसान के लिए डिग्निटी मिले, इक्वालिटी मिले। मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, हमें मिलना चाहिए, सबको चाहिए। हम ये ख्वाहिश रखते हैं, हमारी ईमान है ये। एक ऐसी सोसाइटी हम देखना चाहते हैं विच इज फैमिली बेस्ड, जहां शराब और नशे आवर चीजें ना मिलते हो, इंटॉक्सिकेंट फ्री सोसाइटी। वी वॉन्ट टू सी एन इकॉनमी विच इज विदाउट स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, सूदखोरी, धोखेबाजी, इससे हटकर एक ऐसी इकॉनमी हम देखना चाहते हैं। मोहब्बत इंसानों के दरमियान, रेस्पेक्ट पर, ऑनर पर, इज्जत पर, और नॉट ट्रांजैक्शनल, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जहां कितना अच्छा, लाइन में बैठे देखो, देखो कैसा लाइन में जाकर खाना खा रहे हैं, देखो कितना फर्स्ट क्लास गाड़ियां खड़ाए हुए हैं, एवरीथिंग इन ऑर्डर, एवरीथिंग इन डिसिप्लिन, अ लॉ बेस्ड सोसाइटी, अ रूल बेस्ड सोसाइटी, वेयर आवर यंग यूथ, आवर यंगस्टर्स आर अपहोल्डिंग द लॉ, सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, ब्यूटिफुल। कितना माशाल्लाह ये क्राउड दिख रहा है, सुभान अल्लाह। ऐसा ही हमारा पूरा मुल्क हो जाए, पूरा हिंदुस्तान हो जाए, हमारी ट्रैफिक ऐसी हो जाए, हमारे रोड्स ऐसे हो जाए, कितना अच्छा रहेगा दिल में। सोच, इस तमन्ना के साथ हम यहां आए हैं कि इट शुड बी अ पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड, इट शुड बी सेफ। अभी हम अमेरिका और कनाडा से आ रहे हैं, यहां आते हैं तो पहले नाक पकड़ना पड़ेगा एक, फिर कान पकड़ना पड़ेगा, वो जो हॉर्न मारते हैं, वो जो गाड़ियां घुसते हैं, या अल्लाह कितना दुख होता है। काश के हमारी सोसाइटी बेहतर होती। दोस्तों, सियासत भी ऐसी हो जिसमें म्यूचुअल कंसल्टेशन हो एंड यूनिवर्सल वैल्यूज को फॉलो किया जाए, और लॉ, जस्टिस, सब चीजें हो, और इंसाफ सबको मिले, दलितों को मिले, हिंदुओं को मिले, मुसलमानों को मिले, क्रिश्चियनों को मिले, ब्राह्मणों को मिले, सबको इंसाफ मिले, खुसूसन कमजोरों को, माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए। हम यहां आए हैं एक दुख के साथ, एक दुख के साथ, वो लोगों को जो मार मार के, पीट पीट के खत्म कर दिया, अखलाक को, जुनेद को, और सैकड़ों इस तरह के लोगों को, उनके मां और बापों का, हमारे दिल के अंदर दुख लेकर आए हैं कि उनको इंसाफ मिले। कितने लोग ऐसे हैं,
स्टैन स्वामी साहब को तो खत्म ही कर दिया गया, झूठ उनके कंप्यूटर पर डालकर खत्म कर दिया गया। बहरहाल बाबरी मस्जिद का हो या चर्चेस का हो या टेंपल्स का हो, हमें बहुत दुख है और हम ये एक दुनिया देखना चाहते हैं जिसमें इंसाफ इन सबको मिले। दोस्तों, माँ और बहनों, वी हैव कम हियर बिकॉज वी वॉन्ट अ चेंज, वी वॉन्ट अ चेंज इन द स्टेटस को, वी मस्ट गेट बेटर, हमको बेहतर होना है, बनना है नहीं बनना है भाई, डू वी वॉन्ट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, मगर कैसे, हु विल बेल द कैट, हाउ टू डू इट, ये बहुत बड़ा मसला है, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, हाउ डू वी डू इट। पहली बात इस सिलसिले में याद कर लीजिए, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, मिनिमम यू शुड नो हाउ नॉट टू डू इट, हाउ नॉट टू डू इट। ये जो दूसरों के, कम्युनिस्ट के, फैशिस्ट के, राइट विंग के, लेफ्ट विंग के, लिबरल्स के, उनके जो तरीके होते हैं, हम उनको नहीं अपनाएंगे। हमारा तरीका ये नहीं है कि रेल रोको, रास्ता रोको, छक्का जाम करो, हल्ला बोलो, ये हमारे तरीके थोड़ी होते हैं। हंगर स्ट्राइक करो, पिकेटिंग करो, क्लास स्ट्रगल करो, ये हमारे तरीके नहीं होते हैं। फितने और फसाद के हमारे तरीके नहीं होते हैं, दंगा और आरसन के हमारे तरीके नहीं होते हैं, ब्राइब और ट्रोलिंग के तरीके नहीं होते हैं। वो ट्रोल करते हैं तो हम भी ट्रोल करें, वो ब्लास्ट मारते हैं तो हम भी करें, ये हमारे तरीके नहीं होंगे। पॉइंट नंबर वन, व्हेन वी वांट टू चेंज थिंग्स, वी विल नेवर एवर अडॉप्ट देयर वेज। हमारे तरीके कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हैं, और कुरान और सुन्नत हम उठकर लेकर उठेंगे, और ये लेकर उठेंगे तो कुरान और सुन्नत क्या कहती है, यही कहती है इदुसा बिल्लती ही आसन, बुराई को अच्छाई से, नेकी से, पाकी से दिफा करो, फेस बैड विद गुड, रिप्लेस बैड विद गुड, एंड दैट इज द मैसेज दैट वी ऑल शुड गो एंड होम विद। और इस सिलसिले में Never, never, ever get angry. Never get bitter and vengeful and reactive. Defiant, protesting, demonstrating, behaving badly, violating public order. This is not what we do. We will never incite people to violence. Never endanger the security of our country. Never violate decencies and moralities. उनो हम ना मारन दे, कुचलन दे, जेल में भेजन दे, गालियां दे दे, हमें उसका काम वो ऐसा नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम माफ करेंगे। तो इदफा बिल्लती में क्या आता है, वो झूठ से काम लेते हैं, हम सच से काम लेंगे, वो चोरी कर रहे हैं, हम सदखा देंगे। बड़ी अजीब फिलॉसफी है अल्लाह रसूल की, बड़ी अजीब फिलॉसफी है सुन्नत, कुरान और सुन्नत की। वो जुल्म करेंगे, हम एहसान करेंगे, वो जुल्म करेंगे, हम एहसान करेंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, वो नफरत फैलाएंगे, हम मोहब्बत फैलाएंगे, वो तकलीफें देंगे, हम माफ करेंगे। जब ये करेंगे, कुरान मजीद ये कहता है कि तुम्हारा वर्स्ट एनिमी, द वर्स्ट एनिमी विल बिकम अवर बेस्ट फ्रेंड, ही विल बिकम अवर मददगार, हमारा हो जाएगा वो। मगर ये करने के लिए क्या चाहिए, वमा युलखा के सबर चाहिए, इट नीड्स ग्रेट करेज फ्रॉम इनसाइड इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज थ्रू द कुरान एंड सुन्ना। अभी यहां एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, मैं आपसे चाहता हूं कि एवरीबॉडी अटेंड्स दैट एग्जीबिशन। उसके अंदर एक कुआं डाला बनाया गया है जिसमें यूसुफ अलैहि सलाम को डाला गया था। यूसुफ अलैहि सलाम की जो स्टोरी है हमारे लिए एक ब्यूटीफुल गाइडेंस है। याकूब अलैहि सलाम को कहा गया तुम्हारे बच्चे को भेड़िया ने खा लिया, कहा सब्रुन जमील। यूसुफ अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम से कहा गया कि तुम्हारा दूसरा बेटा चोर निकला, सब्रुन जमील। असल्लाहु अय्यातिया बिहिम जमीआ, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे वापस मिलेगा। उमर खालिद बाहर निकलेगा, इंसाफ बाबरी मस्जिद का मिलेगा, उम्मीद हम रखेंगे हर हाल में, जैसा याकूब अलैहिस्सलाम ने उम्मीद रखा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उम्मीद रखा था। कहा
रब सिजनी अहब्बु इलैया, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ इस प्रिजन के मालिक, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं जेल में जाऊं, मगर ये बुरे काम में मेरे हाथ से नहीं होते हैं। ये हमारे यूथ के अंदर पाकी आनी चाहिए। दोस्तों, कैसा हो हमारा यह मुसलमान, ये हम कैसे अचीव करेंगे? इस सिलसिले में मैं बताऊं कि हम यहां स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, मुख्तलिफ चीजें, कोई बाप है तो कोई शौहर, कोई मां है तो कोई बेटी, कोई बहू। इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव दैट ड्रीम टू सक्सीड, वी हैव टू बी एक्सलेंट। ये सुन्नत की बातें कहते हैं, वी हैव टू बी एक्सलेंट इन एवरीथिंग वी डू। अगर हम बेटा हैं तो सबसे बेहतरीन बेटा बने, अगर शौहर है तो सबसे बेहतरीन शौहर बने, बीवी है तो सबसे बेहतरीन बीवी बने, दोस्त है तो सबसे अच्छे दोस्त बने, ट्रस्टेड, अमानतदार, ट्रस्टवर्दी, खैर करने वाले, बेहतरी करने वाले, कितने अच्छे लोग। लेट अस बी द सॉल्ट ऑफ द सॉइल, कि हमारे बगैर यह देश ना चले, हमारे बगैर यहां कोई खुशियां ना हो, हमारे बगैर कोई खैर का काम यहां ना हो। ऐसे मुसलमान अगर हमारा एवरी यूथ बिकम्स दैट, द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट हस्बैंड, द बेस्ट नेबर, द बेस्ट जज, द बेस्ट बिजनेसमैन, क्या बात है, बनेंगे क्या भाई? द बेस्ट, द वेरी बेस्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि जुबा करती नहीं, जुबा बकरे को काटती ना, वो भी ब्यूटीफुल करो, बहुत अच्छा करो। बकरे को जुबा करते से देखो मुसलमान हो जाना, मुर्गी को पानी पिलाकर चाकू को तेज कर ये किसमें काट देना, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीपल, क्या लिबास है, क्या अखलाक है, कैसा बैठते हैं, कैसे जूते जोड़ते हैं, कैसे पार्किंग करते हैं, क्या अखलाक है। ऐ अल्लाह, ऐसे लोग हमने कहीं नहीं देखे, ऐसे हम बनेंगे इंशाअल्लाह। फ्रेंड्स, वी नीड टू डिस्टिंग्विश आवरसेल्फ्स। एक शख्स अमेरिकन टीवी शो में बहुत पॉपुलर है, उसका नेम डेव शैपेल है, ब्लैक अमेरिकन है। वो आज से 15-20 साल पहले मुसलमान बना। वो मुसलमान बना तो एक पिज्जा डिलीवरी बॉयज को देखकर, पिज्जा के दुकान में काम करने वाले नौजवानों को देखकर वो मुसलमान हो गया। स्वामी असीमानंद हैदराबाद में जेल में थे, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, एक नौजवान 19-20 साल का, उसको देखा, उसके अखलाक को देखा। दोस्तों, जेल में भी हम शाइन हो सकते हैं, जेल में भी हम दाई हो सकते हैं, जेल में भी हम एहसान कर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा अजीज मिस्र बन सकते हैं। वी कैन बिकम किंग्स, इट डजंट मैटर व्हाट अवर सर्कमस्टेंसेस आर, हम जहां कहीं भी हों, लेट अस बिकम द बेस्ट। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, इन्ना अरसलना का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए, आलम के लिए हम रहमत बनकर उठें, खैरख्वाह बनकर उठें। हर मुसलमान, हर हिंदू, हर दलित, हर क्रिश्चियन ये कबूल करे कि ये मुसलमान रहमत का फरिश्ता है, ये देने वाला है, ये एहसान करने वाला है, इसके दिल में रहम करम कूटा पड़ा है, ये गुस्सा नहीं करता, ये कभी कंप्लेन नहीं करता, क्या अच्छा मुसलमान है माशाल्लाह, इसके पास जाओ तो सब मिल जाएगा। दोस्तों, ये अगर काम करना है तो हम सबको मिलना है, और दाई ग्रो बनना है। हम दुनिया में खा पी कर मरने के लिए नहीं आए, बल्कि एक दाई ग्रोह के लिए बनने के लिए आए। लेट अस कॉल द वर्ल्ड टुवर्ड्स तौहीद, रिसालत एंड आखिरत, लेट अस कॉल द वर्ल्ड टुवर्ड्स कुरान एंड सुन्ना, अदल एंड एहसान, लेट अस गिव अप फहश, लेट अस गिव अप मुनकर, लेट अस बी गुड टू पेरेंट्स, मदर्स एंड वाइफ। ये हमारी दावत है, इस दावत की तरफ बुलाइए लोगों को, उदउ इला सबीली रब्बिक, बुलाइए लोगों को, बिल हिकमती, वो मौइज़तुल हसना, ब्यूटीफुल
पुकारो, आएंगे लोग, आज शाम में यहां आ रहे हैं, सबरीमला मुसलमान हो गई, कमला सुरैया मुसलमान हो गई, कैसे कैसे लोग, जेरल डर्क मुसलमान हो गया। मामूली मुसलमानों को देखकर क्या हम नहीं कर सकते? हमारे अखलाक ऐसे नहीं हैं, हम कुछ एहसान नहीं कर सकते? कोई हमको देखकर ये कहे अल्लाह मेरा बेटा तुम्हारे जैसा बनना भी, ये होती है दावत, ये होती है मुस्लिम पर्सनालिटी। मार तोड़ ढक्कर आवाज हल्ला बोलो गलाटा ये नहीं हम करेंगे, दिस इज नॉट अवर वे, वी हैव ड्रीम्स। दोस्तों, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ अवर दीन, हम इस्लाम का अलम पकड़े हुए हैं, वी आर द फ्लैग बेयरर्स, लेट अस बिहेव एज सच। हमारे नाम से, हमारे काम से कहीं अल्लाह के नबी को दुख ना पहुंचे, कभी अल्लाह ताला हमसे बेजार ना हो जाए। अल्लाह और नबी के नाम लेते हैं, हमारे घर वाले हमारे से बेजार हैं, हमारे नेबर्स हमारे से बेजार हैं, हमारे हमारे कोवर्कर्स हमारे से बेजार हैं, क्या गुस्सा भाई आदमी को। सो लेट अस गेट बेटर एंड लेट अस अंडरस्टैंड हु वी आर। हम सब मिलकर हक का साथ देंगे और बातिल का, झूठ का, नाइंसाफी का, जुल्म का, इसकी दुम और इसकी जड़ को काटेंगे, इसको खत्म करेंगे। We will weaken it, and that is why we need all of us to be together. Quran Majeed ne bataya ki ye kaam karne wale attaibun, baar baar toba karne wale, Allah ki taraf palatne wale hote hain, alabidun, ibadat karne wale hote hain, assa alhamidun, Allah ki tareef aur shukr baja lane hote hain, assaihun, ye andar harkat hoti hai inke andar, ye chalte firte hain, ghoomte hain, logon mein milte hain, gaon se gaon jate hain, they have energy in them, arrakiun sajidun, ruku aur sajda karte hain, ye hota hai ideal musalman. You will find him in the masjid, you will find him in ruku and sajda. Wal amirun bil maruf, maruf ka hukm lagate hain, wa nahun anil munkar, buraiyon ko rokte hain, wal hafizun li hududillah, Allah ke hudood ko bacha ke rakhte hain. अरे शराब आम हो जाए, जिना आम हो जाए, नंगापन आम हो जाए, और चोरी धोखा और जुल्म आम हो जाए, और हम खामोश बैठे, ऐसा कैसा हो सकता है? यह होता है अल्लाह का नेक बंदा। और फिर अस्साबिरून अस्सादिकून अस्साबिरून वस्सादिकून वल्खानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल्लसार, सबर करने वाले, गुस्सा करने वाले, वह सादिकीन सच बोलने वाले, हर मामले में सिद्दीक, वल खानितीन सर झुकाकर इताअत करने वाले, वल मुनफिकीन खर्च करने वाले, बनोगे नहीं बनोगे आप सब, खर्च करने वाले बनो, कमाने वाले बनो, वल मुस्तगफिरीन बिल्लसार, सुबह के वक्त उठकर अल्लाह के सामने दुआ मांगे अल्लाह हमें माफ कर दे, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमने ऐसा नहीं बना जैसा तू चाहा, अल्लाह ने माफ कर दे, सुबह में उठकर दुआएं मांगने वाले, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाह ये दिल को पाक कर, अल्लाह इन आंखों को बुराइयों से बचा ले, अल्लाह इस जबान को झूठ से बचा ले, ये दुआ करने वाले और ये तज़किया करने वाले और दिल को पाक करने वाले, ये होता है आइडियल मुस्लिम। वो जाकिर होता है, वो शाकिर होता है, वो ताहिर होता है, वो साबिर होता है, वो सलीम होता है, वो हलीम होता है, वो अलीम होता है, वो हकीम होता है, वो रहीम होता है, वो करीम होता है, खाली नामा रख लेना सन हुए, वो शाहिद होता है, वो हामिद होता है, वो आबिद होता है, वो राशिद होता है, वो अबू बकर होता है, वो अबू जर होता है, और वो अबू हुरैरा और अबू उबैदा बनता है, उमर और उस्मान और अली और साद और तल्हा और जुबैर बनते हैं। दोस्तों, आखिर में सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। ऑल ऑफ अस टुगेदर वी शैल ओवरकम।
थ्रू आवर करेज एंड रेसिलियंस, हमारी हिम्मत और शुजात के जरिए, मेहनत और जद्दोजहद और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इट्स नॉट ईजी। सोले को आराम से चाय पीने को यह होने वाला नहीं है। गेट अप, मूव, रीड, वर्क हार्ड, गो गेटर बनो, तभी यह होने वाला है। जिक्र और शुक्र के जरिए, सबर और तवक्कुल के जरिए, तख्वा और एहसान के जरिए इन हम जंजीरों को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भाई इंशाअल्लाह। वी विल रेस्टोर हार्मनी इस देश में, इस धरती पर, इंसानों में जो नफरत फैलाई जा रही है। लेट अस रेस्टोर द ह्यूमैनिटी, रेस्टोर हार्मनी, रेस्टोर डिग्निटी, रेस्टोर होप। अगर यहां के बाशिंदों को उम्मीद हो तो सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के नौजवानों से उम्मीद हो। नहीं भाई, सॉलिडारिटी है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यहां हम ना हक मिलता है, यहां हम ना इंसाफ मिलता है। दोस्तों, लेट अस रीबिल्ड द ब्रोकन हाउसेस। जो बुलडोजर से गिराए गए हैं हम उनको बनाएंगे, बनाएंगे ना। जो अंदर प्रिजनर्स हैं उनको छुड़ाएंगे। जो जालिम और झूठे हैं उनको इंसाफ तक लाएंगे। और हम कभी आराम नहीं करेंगे। ततजाफा जुनूबुहुम, उनके पीठे बिस्तरों को नहीं लगते थे, मेहनत करते थे रात में दिन में। वी शैल लिव दिस पाथ ऑफ फ्रीडम, हम इस आजादी के राह पर जिएंगे। और ना सिर्फ जिएंगे बल्कि मरेंगे। और यही फौजे अजीम है, और इसी पर अल्लाह ताला हमें अर्श का साया देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।